इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है सबसे पहले, और इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, और किस तरीके से की जाती है। बेसिकली ये एक एटम्स के पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो एटम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स किस किस ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, उनको उनकी एनर्जी के रिस्पेक्ट से फिल करना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती हैं। या तो ऑर्बिटल्स में फिल करना या उनको ऑर्बिट्स में फिल करना, तो ये ऑर्बिट्स में भी फिल करना आपका क्या कहलाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कहलाएगी। लेकिन बेसिकली जो आपकी एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है कि कोई भी अगर आपके पास एटम हो तो उस एटम के अंदर आप क्या नाम है, किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स की फिल करेंगे, कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल करेंगे, कौन से ऑर्बिटल को पहले नहीं फिल करना है, या किस ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके जंप होंगे, कितने ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसी भी एटम को अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इसके बेसिकली कितने रूल्स हैं, उसके चार प्रिंसिपल्स को हमें हर हाल में क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला क्या है, पहला है ऑफ पॉप प्रिंसिपल। ऑफ पॉप प्रिंसिपल है, ऑफ पॉप प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ पॉप प्रिंसिपल के मुताबिक हम जो सबसे लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा सबसे पहले हम उसको फिल करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि एन प्लस एल रूल। ये एन प्लस एल रूल क्या है, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल इज द एज्यूमिटल क्वांटम नंबर। तो एन प्लस एल रूल भी हमें ये बता रहा होता है कि इसके तरफ से भी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। ये क्या कहता है, हम इसको किसी दूसरी वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका जो है वो बेसिकली क्या है, हुंड्स रूल। कि हुंड्स रूल भी हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा होता है कि अगर आपके पास एक ही ऑर्बिटल है, अगर पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल के अंदर आप पी एक्स में आपको दो फिल करना होगा, पी वाई में आपको दो फिल करने होंगे, पी जेड में आपको दो फिल करने होंगे, तो आप पहले आपको हाफ ऑफ करके, तो इस चीज़ को भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हुंड्स रूल। और चौथा क्या है, चौथा बेसिकली आपके पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस चीज़ को भी लिख देता हूँ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा होता है, और ये बता रहा होता है कि किसी भी एटम दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं सिवाय एक के, और वो एक कौन सा क्वांटम नंबर है, वो बेसिकली एक आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। तो ये भी हम डिटेल में अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यू हैव टू नो अबाउट द ऑल फोर पैरामीटर्स टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द रिक्वायर्ड एटम। तो उसकी आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है रिक्वायर्ड एटम की, तो उसके लिए आपको ये चारों रूल्स हर हाल में पता होने चाहिए। इन रूल्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है।